अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज नावल ब्लू आई बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। टोनी ने कहा और फिर चाय की चिस्कियाँ लेने लगा। इससे शायद इमरान पर अंधा एतमाद हो गया था। वैसे भी गुंडों की फितरत है कि वो जिससे मुतासर हो जाएं इस पर अंधाधुंध एतमाद करते हैं। इनमें मुनाफ़त नहीं होती, वो इंतहाई साफ दिल होते हैं, ये इनकी फितरत होती है। सुनो, आजकल हमारे मुल्क में एक गैर मुल्की जासूसों की टीम आई हुई है। वो यहाँ कोई काम करना चाहती है, इसलिए इन्हें बेजिगर और बाएतमाद लोगों की ज़रूरत है। इन्होंने मुझसे फ़ोन की बात की है मगर अभी तक मैंने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। टोनी ने सरगोशिश के अंदाज में इमरान को बताया। इमरान बेखतरा चौंक पड़ा। इसके तो जहन में भी नहीं था कि मामला यहाँ तक भी पहुँच सकता है। वो तो वैसे ही टोनी को चिढ़ाने के लिए बात कर रहा था। इसका ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा टोनी किसी इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट की बात करेगा, मगर टोनी ने जो इंकशाफ किया था वो इसके लिए इंतहाई अहम था। तुम चौंके क्यों? चौंका इसलिए कि ये काम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है, इसमें खासा धूल धप्पा है। इमरान ने इससे मज़ीद मालूमात लेने के लिए बात बनाई। अब वो नहीं चाहता था कि टोनी इससे मशकूक हो जाए। धूल धप्पे के अलावा रकम भी मिलती है, टोनी ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। लेकिन काम की नौयत क्या है ये भी तो पता चले, इमरान ने सवाल किया। जब इनसे हाँ कहेंगे तो वो बताएंगे। आज किसी भी वक्त इनका फ़ोन आएगा तो मैं रजामंदी जाहिर कर दूंगा, फिर तफसीलात का भी इल्म हो जाएगा, टोनी ने बतलाया। ओके, अब मुझे इजाज़त दो, कल फिर मुलाकात होगी तो बात कर लेंगे, इमरान ने इजाज़त चाही। ठीक है, मगर रिहाइश कहाँ है ताकि अगर फौरी ज़रूरत पड़े तो तुम्हें इतला कर सकूँ। शायद इसकी रिहाइशगाह के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहता था। फ़िलहाल तो जहाँ जी चाहता है रात गुजार लेता हूँ, जल्द ही कोई मुस्तकिल बंदोबस्त कर लूँगा। फिर मेरे पास ही रह पड़ो, टोनी ने इसे ऑफ़र की। नहीं, फ़िलहाल नहीं, बाद में सोचूंगा, इमरान ने लापरवाही से कहा और फिर टोनी से हाथ मिलाकर बाहर आ गया। यह ऑफिसर्स कॉलोनी की खासी बड़ी कॉलोनी थी। कोठी के इर्द गिर्द बाकायदा मिलिट्री के गार्ड गश्त कर रहे थे। चारों तरफ लगी हुई सर्च लाइटों ने कोठी के एक एक इंच को रोशन कर रखा था। अंदर कंपाउंड में खौफनाक कुत्तों का राज था। ये कमांडर इन चीफ जफर आफरीदी की रहायशगाह थी और ये सब हिफाजती इंतजाम थे जो हुकूमत की तरफ से किए गए थे। रात के 2 बजे थे। चारों तरफ पुरअसरार सकूत तारी था, ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ सिपाहियों के भारी बूटों की आवाज़ें गूंज पैदा कर रही थी। अचानक इस कोठी से 2 शेर कोठी की पुश्ती दीवार से एक साया सा रिंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। कोठी ख़त्म होते ही वो ज़मीन पर रेंगने लगा। इसके जिस्म पर स्याह लिबास था और कोठी की दीवार पर पड़ने वाली तेज़ रोशनी की वजह से दीवारों के पार के माहौल में गंभीर तारीकी का राज था। वो रेंगता हुआ कोठी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो इस हद तक पहुंचा जहां रोशनी और तारीकी आपस में गले मिल रही थी तो वो रुक गया। इसने एक लम्हे के लिए बगौरी तोता देखा। गश्त करने वाली पार्टियां 2-2 सिपाहियों पर मुश्तमिल थीं जो हाथों में ब्रेन गने उठाए हुए आ जा रही थीं। साया ने महसूस किया कि दोनों पार्टियां दीवार के एक कोने को क्रॉस करती हैं तो इनके दरम्यान में 5 मिनट का वक्फा होता है। 5 मिनट काफ़ी लंबा अरसा है। इसने इसी वक्फे से फ़ायदा उठाना चाहा। फिर वो रेंगता हुआ इस दरख्त के करीब रुक गया जिस पर सर्च लाइट फिट थी। इसने जेब से एक छोटी सी मशीन निकाली और फिर इसमें लगा हुआ एक बटन दबा दिया। बगैर कोई आवाज़ पैदा किए इसमें से एक पतली सी रॉड बाहर निकलती चली गई। वो बटन को मुसलसल दबाए हुए था और रॉड ऊंची हो चली जा रही थी। इसने रॉड को इस तार से टिका दिया और फिर सामने देखने लगा। जब एक गश्ती पार्टी ने वो कोना अबूर किया, इसने मशीन के एक दूसरा बटन दबाया, एक धमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे तमाम सर्च लाइटें बुझ गईं। बिजली का सिलसिला मुनक़ता हो चुका था। लाइटें अचानक बुझते ही वहाँ तारीकी छा गई, इतनी के हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। इसने मशीन का एक और बटन दबाया और वो रॉड सरसराती हुई बर्फ जैसी तेज़ी से वापस मशीन में सिमटती चली गई। दूसरे लम्हे पूरा माहौल ज़ोरदार सीटियों से गूंज उठा। शायद ये खतरे और होशियार रहने की सीटियाँ थीं जो सिपाही एक दूसरे को आगाह करने के लिए बजा रहे थे। साया ने मशीन जेब में डाली और फिर तेज़ी से भागता हुआ दीवार के करीब पहुंचते ही वो बुरी तरह लहराया और फिर दूसरे ही लम्हे वो दीवार पर लगी हुई इलेक्ट्रिक तारों में उलझा हुआ था। बिजली का सिलसिला ख़त्म हो चुका था इसलिए ये तारें इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं।
फिर वो इनसे उलझता हुआ अंदर कंपाउंड में गिर गया। एक हल्का सा धमाका हुआ और फिर कंपाउंड कुत्तों की गुरेदार आवाज़ों से गूंज उठा। कुत्तों ने इसकी बूँ सूंघ ली थी, वो सब इसकी तरफ लपके, मगर वो सैपोश जिसकी आँखों में अंधेरे में भी बिल्ली की तरह चमक रही थी, जिग जैग अंदाज में भागता हुआ इमारत के करीब पहुंच गया। एक कुत्ते का अलबत्ता दाव इस पर चल गया, इसकी टांग कुत्ते के मुंह में आई, मगर दूसरे ही लम्हे कुत्ता एक भयानक चीख मारता हुआ उलट गया। सैपोश ने खंजर इस्तेमाल किया था, चारों तरफ सीटियों और कुत्तों के शोर ने एक हंगामा बर्पा कर रखा था। सैपोश शायद कोठी के महले वकूफ से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि कुत्ते से टांग छुड़ाते ही वो एक पाइप पर बंदर की तरह चढ़ता चला गया। कुत्ते वहीं इकट्ठे होकर भौंक रहे थे, फिर फायरिंग की आवाज़ आने लगी। शायद सिपाहियों ने घबरा कर फायरिंग शुरू कर दी थी, मगर सैपोश छत पर पहुंच चुका था। कोठी के अंदर भी हलचल की आवाज़ें आ रही थी, शायद अंदर भी घबराहट में घर के अफराद भागे फिर रहे थे। किसी की समझ में असल चक्कर नहीं आ रहा था। सैपोश छत पर भागता हुआ बरामदे की छत पर पहुंच गया, जो असल छत से तकरीबन 5 फीट नीचे थी। बरामदे में इसे एक रोशनदान नजर आया जो खुला हुआ था। सैपोश ने फुर्ती से वही मशीन जेब से निकाली और फिर इसका बटन दबा दिया। एक पतली सी रॉड इसमें से निकली और दूसरे लम्हे रोशनदान में लगी हुई लोहे की सुराखें मोम की तरह पिघलती चली गईं। वो जिस्म को सुकेड़ कर रोशनदान के अंदर दाखिल हो गया। वो चंद लम्हे रोशनदान से लटका हुआ अंदर देखता रहा, फिर इसने अंदाजे से छलांग लगा दी, लेकिन नीचे गिरने की हल्की सी आवाज़ भी ना उभरी। ये शायद स्टोर था, क्योंकि इसके पाँव किसी नरम चीज से टकराए थे। फिर वो लुढ़कता हुआ आगे चला गया, लेकिन अब भी इसका जिस्म जिस न किसी नरम और उदास चीज़ पर रहा। फिर इसने उठकर हल्की सी छलांग लगाई और अब वो फर्श पर था। फर्श पर रुकते ही वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ झपटा। इसी लम्हे अचानक बिजली की रूह वापस आ गई, शायद फ्यूज़ जोड़ दिया गया था। साया जो दरवाजे से बाहर निकल रहा था ठिठक कर वापस दरवाजे में सिमट गया। राहदारी के दूसरे सिरे पर 2 मिलिट्री के आदमी भागे हुए आ रहे थे। साया वापस अंदर चला गया। जब सिपाही आगे बढ़ गए तो इसने फुर्ती से दरवाजे से छलांग लगाई और फिर रोशन राहदारी में भागता चला गया। अचानक राहदारी के मोड़ से एक आदमी इससे टकराया, मगर दूसरे ही लम्हे इसकी चीख से पूरी कोठी गूंज उठी। साया ने इसके पेट में खंजर घोंप दिया था। खंजर वहीं छोड़कर वो झपट कर एक दरवाजे के करीब पहुंचा और फिर इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और कमांडर इन चीफ घबराए हुए बाहर निकले। शायद वो दर्दनाक और तवील चीख इन्हें बाहर खींच लाई थी। वो दरवाजे से निकलकर इस तरफ बढ़े जहां अभी तक वो सिपाही पड़ा तड़प रहा था। इनके बाहर निकलते ही वो साया झपट कर दरवाजे में दाखिल हो गया। इसके पैरों में शायद क्रेप सोल के जूते थे, इसलिए इसके चलने से हल्की सी आवाज़ भी पैदा नहीं होती थी। ये कमरा कमांडर इन चीफ साहब की ख्वाबगाह थी। साया अंदर दाखिल होते ही इनके बिस्तर के नीचे सिमट गया। अब वो वहाँ पड़ा तवील सांस ले रहा था, जैसे मीलों लंबी दौड़ लगा कर आया हो। और वाकई ये इसकी हिम्मत और दिलेरी थी कि वो मिलिट्री के इतने ज़बरदस्त हिसार को तोड़ कर यूँ कमांडर इन चीफ की ख्वाबगाह में दाखिल होने में कामयाब हो गया था। पूरी कोठी में मुख्तलिफ लोगों के कदमों की आवाज़ें आ रही थीं और वो सैपोश दम साधे मिसहरी के नीचे पड़ा था। दूसरे लम्हे इसने कमांडर इन चीफ को कमरे में दाखिल होते देखा। कमांडर इन चीफ के पीछे एक और आदमी था, कैप्टन यूसुफ। पूरी कोठी छान मारो, मुजरिम कोठी में मौजूद है। कोठी के गिर्द हिसार बांध लो, वो जहाँ कहीं भी है इसे इसी हालत में गिरफ्तार करके लाओ। सर, सारी कोठी की मुकम्मल तलाशी ली जा रही है, अभी मुलजिम गिरफ्तार हो जाएगा। मुखातिब जो सिक्योरिटी ऑफिसर था उसने अटेंशन होकर जवाब दिया और फिर वो दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। कमांडर इन चीफ ने दरवाज़ा बंद किया और इसकी कुंडी चढ़ा दी, शायद इस खतरे के पेश नज़र कि मुजरिम कहीं अंदर ना आ जाए। फिर वो कमरे में टहलने लगे। चंद लम्हे तक टहलने के बाद वो बिस्तर पर बैठ गए। इनके बिस्तर पर बैठते ही वो सैपोश मुशहरी की दूसरी तरफ खिसकने लगा। जल्द ही वो मुशहरी के नीचे से निकल आया। अब कमांडर इन चीफ की पुश्त इसकी तरफ थी। इसने जेब से एक रुमाल निकाला और दूसरे लम्हे झपट कर इसने कमांडर इन चीफ की गर्दन पकड़ ली। रुमाल वाला हाथ कमांडर इन चीफ की नाक पर मजबूती से जमा हुआ था। जफर अफरीदी साहब ने चंद लम्हे तक तो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर फिर इनकी हरकत बतदरीज सुस्त होती चली गई। फिर वो बेहोश हो चुके थे। रुमाल पर छिड़का हुआ क्लोरोफाम अपना काम कर चुका था। इनके बेहोश होते ही सैपोश ने रुमाल वापस जेब में डाला और फिर एक लम्हे के लिए इधर उधर देखने लगा। और दूसरे ही लम्हे इसने जेब से एक छोटी सी मगर पेचीदा सी मशीन निकाली। मशीन का बटन दबाते ही इसमें से एक तेज तरीन मगर बारीक सुई निकली। ये सिर रेज
ये सेयर रेज सीखने वाली, सीयर रेज सीखने वाली मशीन थी। इसने मशीन इनके बाएं आँख के सामने की और दूसरे हाथ से वो इनका की आँख खोले हुए था। शुआ सीधी इनकी आँख की पुतली पर आ रही थी। एक लम्हे बाद इसने मशीन का बटन बंद किया और इसे एक तरफ रख दिया। फिर इसने अपनी जेब से एक छोटी सी चिमटी निकाली और दूसरे लम्हे चिमटी की नोक से इसने कमांडर इन चीफ की बाएं आँख की पुतली उठा ली। सियर शुआ ने पुतली को बड़ी नफासत से काट दिया था। पुतली एक तरफ रखकर इसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और फिर शीशी का ढक्कन खोलकर चिमटी से इसमें से एक इंसानी पुतली बाहर निकाली और दूसरे लम्हे चिमटी से इसने वो पुतली आग के इस खला में टिका दी जो इनके असल पुतली निकलने से बन गया था। एक लम्हे बाद इसने मशीन बंद करके जेब में डाली। बिस्तर पर पड़ी हुई पुतली चिमटी से निकाल कर शीशे में रखी और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमांडर इन चीफ बिस्तर पर पड़े थे। जदीद तरीन इजाद सेयर शुआ ने इनकी आँख का ऑपरेशन कर दिया था। एक अजीब और गरीब ऑपरेशन जिसमें शायद 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। ना ही खून बहा और ना ही ऑपरेशन रूम की ज़रूरत पड़ी। स्यापोश ने दरवाज़ा खोला और फिर एक लम्हे के लिए इधर उधर देखने के बाद वो राहदारी में निकल आया। राहदारी की दीवार से होता हुआ वो जैसे ही मोड़ पर आया ठिठक गया क्योंकि सामने से 2 आदमी हाथ में ब्रेन गन उठाए आ रहे थे। वो झपट कर मुड़ा और फिर दीवार के साथ लगकर पीछे हटने लगा। अचानक पिछले मोड़ से भी 2 आदमी हाथों में ब्रेन गन उठाए आते नजर आए। अब से अपोश फंस चुका था। इसने फुर्ती से जेब से एक दस्ती बम निकाला और पलक झपकने में वो इसकी पिन खींचकर पीछे आने वालों पर फेंक चुका था। जब बम इसके हाथ से निकल कर इनकी तरफ पहुंचा इस वक्त शायद इन्होंने इसे देख लिया क्योंकि वो ब्रेन गन सीधी कर ही रहे थे कि बम फट गया और फिर एक ज़ोरदार धमाके से इन आदमियों के समेत राहदारी के भी परख्ते उड़ गए। फिर वो तेज़ी से आगे भागा और सामने आने वाले आदमियों से टकरा गया। फिर वहाँ भी एक बम फट गया। बम शायद इसने हाथ में ले रखा था और पेन खींच कर अंगूठा लीवर पर रखा हुआ था। चरी धमाका हुआ। स्यापोश भी लड़खड़ाया लेकिन फिर उछलता हुआ आगे बढ़ा। जल्दी वो इस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया जिसके रोशनदान से वो अंदर दाखिल हुआ था। कमरे में दाखिल होते ही इसने दरवाज़ा बंद किया। फिर इसने झुक कर जेब से वही फ्यूज़ उड़ाने वाली मशीन निकाली थी कि एक ज़ोरदार आवाज़ गूंज उठी, हैंड्स अप, खबरदार अगर हरकत की। ये आवाज़ रोशनदान से आई थी जहाँ शायद सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुसलसल मुस्तकिल एक आदमी की ड्यूटी लगा रखी थी और यही इस ऑपरेशन के दौरान इसकी वाहिद गलती थी कि वो दोबारा इसी कमरे में आ गया था जहाँ वो एक बार पहले भी गया था। सिक्योरिटी ऑफिसर ने सही अंदाज़ा लगाया था कि मुजरिम भागते वक्त वहीं आएगा। आवाज़ सुनते ही स्यापोश फुर्ती से बढ़ा और इसने वो मशीन ही इस रोशनदान की तरफ उछाल दी। मगर सिपाही के हाथ में पकड़ी हुई ब्रेन गन चल पड़ी। गोली की एक बौछार ने स्यापोश को अपनी लपेट में ले लिया। इधर मशीन की दीवार से टकराते ही एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और कमरे के परख्ते उड़ गए। मुर्दा स्यापोश मलबे के नीचे दब चुका था और मलबे के ऊपर इस सिपाही की जिसने इस पर गोलियां चलाई थी टुकड़े बिखरे हुए थे। कमांडर इन चीफ की सिफारिश पर केस सीक्रेट सर्विस के हवाले किया जा चुका था। इस वक्त रात की ताज़ा तरीन वाकये पर आला अफसरान की मीटिंग हो रही थी। इमरान और सफदर एक्सटो के नुमाइंदों की हैसियत से इस मीटिंग में मौजूद थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल ए, कमांडर इन चीफ खुद और सर सुल्तान इस मीटिंग में शामिल थे। कमांडर इन चीफ ने रात के वाकयात दोहराए। कर्नल ए ने अपनी तहकीकात की रिपोर्ट पेश की। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिम की लाश में सैकड़ों सुराख थे। मुजरिम गैर मुल्की था। मुजरिम की लाश का मसख शुदा फोटो भी मीटिंग में दिखाया गया था। फिर वो मशीन भी शिकस्ता हालत में पेश की गई जो सैपोश की जेब से निकली थी। मशीन इस हद तक टूट फूट चुकी थी कि इसकी माहियत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। इमरान खामोशी से बैठा बातें सुन रहा था। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। रिपोर्ट ख़त्म होने के बाद तमाम इमरान गहरी सोचों में गुम हो गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि असल चक्कर क्या है। फिर सर सुल्तान ने सकूत को तोड़ा। जफर साहब, बेहोश होने के बाद जब आप होश में आए तो क्या आप अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस कर रहे थे? कतई नहीं। जफर आफरीदी साहब ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। तो फिर मुजरिम का आखिर मकसद क्या था? वो इतनी दिलेरी और जहानत से मिलिट्री का हसार तोड़ कर आपकी ख्वाबगाह में पहुंचा। इसने आपको क्लोरोफार्म सुंघा कर बेहोश किया। इसके पास नामालूम मशीन भी थी और फिर वो आपको बेहोश छोड़ कर वापस जाते हुए मारा गया। तो इस सारी कार्रवाई से इसका मकसद क्या था? इसने आपको बेहोश करके क्या किया? वो चाहता क्या था?
इसकी वापसी से तो जाहिर होता है कि वो जो कुछ करना चाहता था वो करके वापस जा रहा था। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जफर साहब बोले। इनकी आंखों से हैरत भी टपक रही थी। आप शादीशुदा हैं? इमरान ने अचानक सवाल किया और तमाम लोग यूं चौंक पड़े जैसे इमरान ने सवाल नहीं किया, कोई बम फेंक मारा हो। जी हाँ, मगर आपका इस सवाल से क्या मकसद है? कमांडर इन चीफ के लहजे में हैरत के साथ कदरे तलखी थी। वैसे ही पूछ रहा था, मैंने सोचा शायद आप कमा रहे हैं, तो मेरी नज़र में एक बड़ा अच्छा रिश्ता था, इमरान ने मासूमियत से जवाब दिया और कमांडर इन चीफ का चेहरा गुस्से और खजालत के इम्तजाज से सुर्ख हो गया। आज से पहले किसी ने भरी महफिल में इनसे इस किस्म का मजाक करने की जरूरत नहीं की थी। कर्नल ए और दीगर ऑफिसरान भी हैरत से ईमान को देख रहे थे, क्योंकि इतनी संजीदा महफिल में इस किस्म का मजाक बेहद अजीब बात थी। शट अप, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं, कमांडर इन चीफ दहाड़े। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, इसलिए बराए मेहरबानी शट अप का तर्जुमा कर दीजिए ताकि मैं आपका मतलब समझ जाऊँ। इमरान ने यूं जवाब दिया जैसे वाकई वो इनका मतलब ना समझा हो। इमरान साहब, संजीदगी इख्तियार कीजिए, यहाँ बड़ा अहम मसला ज़ेर बहस है। सफदर ने इमरान को लुकमा दिया। वो खुद भी ईमान के इस बेमौका मजाक से घबरा गया था। सर सुल्तान भी फहमाइशी नज़रों से ईमान को देख रहे थे। बेहतर भाई, अगर आप लोग नाराज़ होते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कहता। हाँ तो कमांडर इन चीफ साहब, फिर क्या हुआ?